अब तक 56 मुकाबले हुए हैं आईपीएल 2020 में और लंबे इंतजार के बाद तकरीबन 7 हफ्तों के बाद बारी इस सीजन के प्लेऑफ्स की। पहला मुकाबला क्वालिफायर 1 नंबर 1 वर्सेस नंबर 2 यानी कि मुंबई इंडियंस डिफेंडिंग चैंपियंस का सामना राजधानी शहर दिल्ली कैपिटल से श्रेयस अय्यर की कप्तानी में। धमाकेदार मुकाबला 2 महारथियों के बीच और एक और धमाकेदार मैच प्रीव्यू दीपदास गुप्ता के साथ ऑन माई 11 सर्कल प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी। सबसे पहले बात उस शख्स की जिन्होंने पिछले मैच में वापसी की, हालांकि रन नहीं बनाए, लेकिन उनकी मौजूदगी, उनकी उपस्थिति मुंबई इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंजेक्शन था। रोहित शर्मा बैक इन एक्शन, हालांकि रन नहीं बनाए पिछले मैच में, लेकिन सिर्फ उनकी उपस्थिति बहुत बड़ा फर्क लाती है। क्या आप चिंतित हैं कि उन्होंने वो रंग अब तक दिखाया नहीं? हालांकि उनकी एब्सेंस में ईशान किशन और डी कॉक ने अच्छा काम किया। ये बहुत बड़ा मैच है, रोहित को ए गेम लाना पड़ेगा। देखिए, बड़े मैच में बड़े प्लेयर डेफिनेटली लेके आते हैं और रोहित भी लेके आएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये पूरा सीजन अच्छा नहीं गया, ठीक है, कुछ मैचेस में रन नहीं बने, 2 अर्धशतकीय पारी हैं, कुछ अच्छे नॉक्स खेले उन्होंने। और जैसे अभी आपने भी कहा कि ये बड़ा मैच है, तो बड़ा प्लेयर ऑब्वियसली यू एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम हिम। और आई वोंट बी सरप्राइज इफ रोहित अपना ए गेम लेके आते हैं और स्कोर्स अ लॉट ऑफ रन। लेकिन क्या आपको लगता है कि उससे जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन में एक सेटल मामला था, क्योंकि ऑब्वियसली रोहित आएंगे तो ओपनिंग करेंगे, क्या ईशान किशन का रिदम डिस्टर्ब होने की संभावना आपको लग रही है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनका जो हाईएस्ट जो उन्होंने रन बनाया वो 3 नंबर में आके बनाया, 99 जो बनाया ईशान ने, तो वो ओपन करके नहीं बनाया। तो और जिस फॉर्म में, जिस लय में फिलहाल ईशान दिख रहे हैं, तो आई थिंक उनको फर्क नहीं पड़ता, वो उनको बस बैटिंग करना है इस वक्त, चाहे वो 4 नंबर पे हो, ओपन हो, 3 पे हो, कहीं पे भी। आई थिंक इतने अच्छे लय में दिख रहे हैं। एक खासियत रही है मुंबई इंडियंस की कि एक लौती ऐसी टीम है जिसे बहुत जल्दी अपनी आइडियल प्लेइंग 11 पता चल गई थी। अब पिछले मैच में बदलाव किए, रोहित वापस आए, जयंत यादव आउट, बुमराह और बोल्ट को बिठाया। हार्दिक पांड्या की एब्सेंस समझ नहीं आ रही है। ऑब्वियसली बुमराह और बोल्ट वापसी करेंगे, लेकिन उनके अलावा अगर 4 फॉरेन प्लेयर्स आप देखें, डी कॉक के अलावा अगर बोल्ट वापसी करते हैं, तो 4था फॉरेन प्लेयर कौन? नेथन कोल्टरनाइल या जेम्स पैटिंसन आपके लिए? देखिए, वैसे बड़ा ही सेट साइड है। मैं आई वुड गो टू द थर्ड मैच, जो मुंबई इंडियंस का थर्ड मैच में जो प्लेइंग 11 था, जहां पे रोहित थे, क्विंटन डी कॉक, सूर्या और ईशान किशन, हार्दिक और उधर पैटिंसन। आई थिंक मैं प्रेफर करूंगा पैटिंसन नेथन कोल्टरनाइल से पहले। हालांकि नेथन कोल्टरनाइल जितने भी लिमिटेड चांसेस मिले हैं, जो मौके मिले उनको, खराब नहीं किया उन्हें बिल्कुल, लेकिन समहा मुझे लगता है पैटिंसन थोड़े ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर हैं। दूसरी ओर मुंबई की बैटिंग की अगर बात करें, जाहिर बात है क्वालिफायर 1 बिग गेम, नॉकी और रबाडा के खिलाफ बड़े रन बनाना इतना आसान नहीं होगा। तो आप मैचअप्स को किस तरह से देखते हैं? मुंबई के बैट्समैन किन गेंदबाज को अटैक कर सकते हैं इस मैच में? देखिए, मैचअप्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि स्पेशली अगर आप दिल्ली कैपिटल्स हैं, आपके पास लेफ्ट हैंडर्स हैं, आप मुंबई इंडियंस, आपके पास भी लेफ्ट हैंडर्स हैं, राइट हैंडर्स, और लग्जरी है, तो वो इस्तेमाल करना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना, ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म स्पिन अगर आपके पास है, या रिस्ट स्पिनर, किसको किसके अगेंस्ट खिलाना, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप मैच में जाने से पहले जो हम तैयारी की बात करते हैं, प्रिपरेशन की बात करते हैं, यही प्रिपरेशन होता है। अगर मैं ईशान किशन हूँ तो मैं ये सोच के जाऊंगा कि अच्छा, मुझे अश्विन, अगर ये गेंद अश्विन डालेंगे तो मैं क्या शॉट खेलने वाला हूँ, वही अगर अक्सर डालेंगे तो मैं क्या करने वाला हूँ। ऑब्वियसली वो सिचुएशन के हिसाब से भी बदलेगा, लेकिन आप तैयारी जरूर करके जाएंगे और मैचअप्स बहुत अहम हो जाता है। 4था पॉइंट, डैनियल सैम्स खेले थे पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के लिए, आरसीबी के खिलाफ जो मुकाबला था। हालांकि बैटिंग ऑप्शन भी अवेलेबल करवाते हैं डैनियल सैम्स खेलने से, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्योंकि मैच दुबई में है, बड़ी बाउंड्रीज है, क्या आउटसाइड चांस लगता है दिल्ली की प्लेइंग 11 में संदीप लामिछाने के खेलने का? संदीप लामिछाने हो सकते हैं, प्रवीण दुबे हो सकते हैं, लेकिन मुझे बस एक ही चीज का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, जब 3 स्पिनर हो तो थोड़ा मैनेज करना, 12 ओवर स्पिनर्स से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हाल ही में हमने देखा है कि दुबई में ड्यू बहुत पड़ता है, और ड्यू में 12 ओवर स्पिनर तो बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे नहीं कह रहा नहीं खेल सकते, खेल सकते हैं, लेकिन फिर 2 स्पिनर ही खेल सकते हैं, तीसरा आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, खासकर इन हालातों में जहाँ पे ड्यू वगैरह है। पांचवा और आखिरी पॉइंट भी प्रेशर गेम है, अगर जीते तो सीधे फाइनल में। ऐसे में टॉस बहुत बड़ा फैक्टर होगा, जाहिर बात है कि दोनों टीमें चेज करना चाहेगी पिछले कुछ मैचों के रिजल्ट्स को देखते हुए, लेकिन क्या ये कहना सही कि दिल्ली के लिए चेज करना और भी ज्यादा जरूरी? जी मुझे लगता है, क्योंकि एक तो रिकॉर्ड चेजिंग का अच्छा है दिल्ली का, दैट इज वन। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से खासकर मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखें, जिस तरीके से खेला है ऋषभ ने या श्रेयस ने, कभी कभार पहले बैटिंग करते हुए लगता है कि शायद उनको पता नहीं कि कितना पार स्कोर है, किस पेस पे चलना है। तभी आप अगर उनके स्ट्राइक रेट देखें तो ऋषभ का मेरे ख्याल से 120 का कुछ है और उनका भी, श्रेयस का भी 120 के करीब ही है। तो वो अगर जब आप चेज करते हैं तो कम से कम आपको पता है कि किस स्ट्राइक रेट से आपको बल्लेबाजी करना है, आपके सामने लक्ष्य क्या है, छोटा स्कोर, बड़ा स्कोर, व्हाटएवर। तो उस हिसाब से खासकर दिल्ली के लिए शायद ये जरूरी होगा कि वो चेज करें, जिस तरीके से अभी तक जो रवैया रहा है, जो अप्रोच रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए। एक युवा कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ दिल्ली कैपिटल्स अपने इतिहास में पहली बार आईपीएल फाइनल्स तक पहुंचने के इरादे के साथ खेलेगी, जबकि दूसरी ओर डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस अपने पांचवें आईपीएल टाइटल की ओर एक बहुत बड़ा कदम रखेंगे। लेकिन हमारा ये 5 पॉइंट वाला प्रीव्यू हो चुका है खत्म। थैंक्स सो मच दीप फॉर जॉइनिंग अस ऑन माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी।